और हरियाणा में इस बार धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है और अब राज्य में सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। बता दें कि इस पर पाबंदी लगा दी गई है। जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए इस साल मार्च के बजट सत्र के दौरान हरियाणा सरकार ने विधेयक पारित किया था। इसके बाद 1 दिसंबर 2022 को हुई कैबिनेट मीटिंग में इसके नियम तय किए गए। धर्मांतरण विरोधी कानून यानी कि एंटी कन्वर्सेशन लॉ के तहत अगर कोई भी किसी को किसी तरह से लालच देकर या जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे कम से कम 5 साल की कैद की सजा होगी और 1,00,000 रुपए का जुर्माना होगा। वही शादी के लिए धर्म छिपाने पर 3 से 10 साल तक कैद और कम से कम 3,00,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें अगर सामूहिक धर्मांतरण में नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो इसको लेकर भी सजा का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में 5 से 10 साल तक कैद और न्यूनतम 4,00,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। वही एक बार से अधिक जबरन धर्म परिवर्तन में पकड़े जाने पर 10 साल की सजा और 5,00,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। हालांकि कोई अपनी मर्जी से अगर धर्म परिवर्तन करना चाहता हो तो उसके लिए परमिशन लेनी होगी मजिस्ट्रेट से।